दोस्तों, अदिति राव हैदरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का एक बेहतरीन एक्ट्रेस है, जिन्होंने सन 2006 में मलयालम फिल्म प्रजापति से अपनी करियर की शुरुआत की थी। दोस्तों, इन्होंने मलयालम फिल्मों के साथ साथ कई हिंदी फिल्मों में भी काम की है और काफी नाम और शोहरत कमाई है और अच्छी पहचान बनाई है। दोस्तों, आज के इस शानदार वीडियो में हम बात करेंगे फेमस टेलीविजन और फिल्म एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी की लाइफस्टाइल और बायोग्राफी के बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपको भी अदिति राव पसंद है तो इस वीडियो को कर देना लाइक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इनकी जन्म 28 अक्टूबर सन 1986 को आंध्र प्रदेश हैदराबाद में हुआ था और 2024 के हिसाब से अदिति राव हैदरी अब 38 साल की हो चुकी है। दोस्तों, इनकी हाइट है 5 फीट 5 इंच यानी कि 165 सेंटीमीटर और वेट 55 kg यानी कि 121 lbs। दोस्तों, इनकी फिगर मेजरमेंट है 34, 26 एंड 34। इनकी आई कलर डार्क ब्राउन है और हेयर कलर ब्लैक है। वही बात किया जाए इनकी शिक्षा जीवन के बारे में, तो इन्होंने शुरुआती स्कूलिंग की पढ़ाई आंध्र प्रदेश मदनापल्ले की ऋषि वैली स्कूल से करी है। फिर इसके बाद इन्होंने न्यू दिल्ली की लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन में एडमिशन ली, जहाँ से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अदिति की जन्म हैदराबाद आंध्र प्रदेश की एक रॉयल फैमिली में हुई थी, जहाँ पर इनके पिताजी और माताजी दोनों ही दो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। दोस्तों, इनके मेटरनल ग्रैंडफा यानी कि इनके दादाजी जे रामेश्वर राव एक समय हैदराबाद वानापति की राजा हुआ करते थे। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि इनके दादाजी जे रामेश्वर राव पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहुत ही करीबी दोस्त थे और वे कई बार लोकसभा की चुनाव में चुनकर आए हैं। दोस्तों, अदिति के पिताजी और माताजी भले ही लव मैरिज की थी, लेकिन अदिति जब 2 साल की थी तभी वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए थे। फिर इसके बाद अदिति राव अपनी माँ के साथ दिल्ली में रहने लगी और अपनी फैमिली बिजनेस में हाथ बटाने लगी। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अदिति राव ने बचपन में सिंगिंग की ट्रेनिंग ली है और भरतनाट्यम डांसिंग की भी ट्रेनिंग ली है। दोस्तों, अदिति राव जब 21 साल की थी तब उन्होंने सत्यदीप मिश्रा से शादी की, जो कि प्रोफेशन से एक सिविल सर्वेंट और एक लॉयर थे, लेकिन बाद में उन्होंने एक एक्टर के नाते बॉलीवुड में डेब्यू की। बॉलीवुड में डेब्यू करने से पहले अदिति राव ने कई तमिल फिल्मों में काम की है, जो कि ज्यादातर डांस के ऊपर बेस्ड करके बनाई गई थी और उन फिल्मों ने कई अवार्ड्स और अचीवमेंट्स को इनके नाम की है। दोस्तों, अदिति राव को सेल्फी फोटो खींचना काफी पसंद है और इसीलिए उनको सेल्फी क्वीन भी कहा जाता है। बात किया जाए इनके फिल्मी डेब्यू के बारे में, तो इन्होंने सन 2006 में मलयालम फिल्म प्रजापति से अपनी करियर की शुरुआत की थी। फिर इसके बाद वो सन 2008 में बॉलीवुड में डेब्यू की डेली 6 फिल्म से। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इनके फैमिली के बारे में। दोस्तों, इनके पिताजी के नाम है लेट ईशान हैदरी और माताजी के नाम है विद्या राव। दोस्तों, इनके एक्स हस्बैंड की नाम है सत्यदीप मिश्रा, जिनसे इन्होंने 21 साल की उम्र में शादी की थी, लेकिन अब इन दोनों का डाइवोर्स हो गया। दोस्तों, इनके प्रेजेंट फियांस की नाम है सिद्धार्थ, जो कि प्रोफेशन से एक एक्टर है और इन दोनों की एंगेजमेंट हुई है 27 मार्च सन 2024 में। वही अगर बात किया जाए इनके मनी फैक्टर के बारे में, तो आपको बता दें कि अदिति राव एक फिल्म में काम करने के लिए 60 से 70 लाख रुपए चार्ज करती है। और अगर बात किया जाए इनके टोटल नेट वर्थ के बारे में, तो 2024 के हिसाब से अदिति राव हैदरी की टोटल नेट वर्थ है करीबन 10 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, ये थी आप सबकी फेवरेट एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी की लाइफस्टाइल और बायोग्राफी वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो यहीं पर समाप्त होते हैं। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखा करें।